पाली पढ़ना सीखें। जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सभी पाली पढ़ना सीखें, जैसा लिखा हुआ आ रहा है वैसा, और उसका छोटा छोटा वीडियो अपना पाली पढ़ते हुए बनाएं। उस वीडियो को टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर, या फेसबुक पर, या यूट्यूब पर, या एक दूसरे को परिवार में भेजें और सारी दुनिया को बताएं कि आपने पाली में आज ये सीखा है, इस काम को करें। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा, सीखें। सबसे पहले मैं आपको नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य सिखाऊंगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य। ये एक एक शब्द को कई के सबसे मिलके बना हुआ है, इसलिए आसानी से सीखें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्ध इस, यानी सम्मा सम बुद्धस्। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। ये पहली लाइन है, इसको तीन बार आप बोलेंगे बार बार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। ये तीन बार बोला जाता है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छी तरह से आ जाएगा और इसको ऐसे ही गाएंगे। इसमें जो नमो शब्द है इसका मतलब है नमस्कार, और तस् जो शब्द है वो दो से मिलकर बना हुआ है, जो तय और आधा से और से, जैसा आप देख रहे हैं, तय माने होता है वह या उनको, और आधा से और से लग जाता है तो फिर हो जाता है उनके लिए या उनको, यानी वह को या वह के लिए। तो नमो माने नमस्कार, और तय माने वह, और इस माने को, यानी कि नमस्कार उनको। भगवतो, भगवतो में दो शब्द हैं, भगवतो, भग का मतलब है जिन्होंने राग और द्वेष यानी दुख और मोह मूर्ता जितनी भी है वो भग्न कर दी है, खत्म कर दी है, खंड खंड कर दी है, टुकड़े टुकड़े कर दी है। भगवतो यानी कि ऐसे जिन्होंने राग को और द्वेष को, मोह मूर्ता को भग्न कर दिया है, भगवतो। अरहतो का मतलब है, अर माने दुख होता है और हत माने हत्या करना होता है, जिन्होंने दुखों की हत्या कर दी है ऐसे व्यक्ति को अरहतो बोलते हैं। और सम्मा माने होता है राइट, एकदम, यानी कि सही। सम्मा माने पाली में बोलते हैं सही को, इसको सम्यक भी बोलते हैं। सम्मा और सम माने होता है बराबर यानी पूरा, सम माने कंप्लीट, जिन्होंने सही और कंप्लीट। बुद्ध इस मतलब है बुद्ध, और इसका माने है लिए यानी को, ऐसे बुद्ध को जो पूरी तरह से अच्छे हैं, यानी कि सम्मा है और सम है, यानी पूरे हैं और सही है, ऐसे बुद्ध को नमस्कार। तो आप कहते हैं नमस्कार उनको जो अरहत हैं, जो भगवत हैं, जो सम्मा सम बुद्ध हैं, उनके लिए नमस्कार तीन बार हम करते हैं, ये आपने बार बार बोलना है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। इसको आप लय में बोल सकते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। और भी लय में गा सकते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। तीन बार जो भी लय आपको पसंद है, नेट पे आपको बहुत सारी लय मिलेंगी। बोलने का जो तरीका है वो यही है जो मैंने आपको एक एक शब्द में बताया है, इसको ध्यान रखें। कई बार हम तस् की जगह तस्से बोल जाते हैं, तस्से नहीं बोलता है फिर बाद में ये लग जाएगा, तस् ही बोलना है। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। बुद्धस्य नहीं बोलना है, बुद्धस् बोलना है। तो ये आपने लाइन अच्छी तरह से रिपीट करनी है। इसकी आप टिकटॉक पे लाइन बनाइए, टिकटॉक पे डालिए, टिकटॉक पे आप सुनिए, और एक कंपटीशन बनाइए किसकी लाइन ज्यादा अच्छी है, किसकी ज्यादा नहीं है। व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, अपने पेज पे डालिए, खूब सारी वीडियोस की बनाइए और इसकी वीडियो डालिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इस
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.